सो नाउ अभी एक्वेटिक में हमने तीन ऑप्शंस देखे, तो सबसे पहला है उसमें फ्रेश वॉटर हैबिटेट। सो फ्रेश वॉटर हैबिटेट में क्या होता है, दीज आर दी वॉटर बॉडीज फिल्ड विद फ्रेश वॉटर। सो नाम से पता चल रहा है ये ऐसी वॉटर बॉडीज है जो फ्रेश वॉटर से फिल्ड होती है। दीज इंक्लूड रिवर्स लेक्स पॉन्ड स्ट्रीम्स एटसेट्रा। तो इसमें क्या क्या आते हैं, रिवर्स आती है, लेक्स आती है, पॉन्ड्स आते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली फ्रेश वॉटर होता है। नेक्स्ट है मेरीन हैबिटेट। सो ओशियन एंड सीज आर टर्म टू बी मेरीन हैबिटेट। अब ओशियंस और सीज होते जो बड़े बड़े हमारे पास ओशियंस है सीज है वो आते हैं मेरीन। आपने देखा होगा वहां पे जो एनिमल्स वगैरह सॉरी जो भी वहां पे एनिमल्स रहते हैं उनको हम वहां पे लाइफ को बोलते हैं मेरीन लाइफ। ओके सो दीज आर फुल विद लाइफ। यहाँ पे बहुत सारी लाइफ होती है। डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन मेरीन हैबिटेट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसमें फिशेस भी आती हैं, बहुत सारी हमारे पास है ऑक्टोपस वगैरह जेली फिशेस। सो देयर आर अ लॉट ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स है वो मेरीन लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास कोस्टल हैबिटेट। सो अभी हमने फ्रेश वॉटर देख लिया, मेरीन देख लिया, कोस्टल होता है दिस इज द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेस वेयर लैंड मीट्स द सी। अब एक ऐसी जगह पे जहां सी और लैंड मिलते हैं, जैसे मोस्टली आपने आइलैंड्स बीचेस देखे हैं, तो बीचेस में बेसिकली क्या होता है आपको लैंड भी दिखता है और वहां पे आपको पानी भी दिखता है, तो दैट इज कोस्टल एरिया। एक तरह से आप उस तरह से समझ सकते हो। क्लियर राइट। सो ऐसे ही जैसे इंडिया के जो नीचे बाउंड्रीज में है जहां पे इधर भी सी है इधर भी सी, तो वो सारे हमारे कोस्टल एरियाज हो जाते हैं। ओके सो यहाँ पे हमने इन तीन के बारे में पढ़ लिया, अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ओशियन लेक्स वगैरह इन सब के बारे में। ओके okay?